मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ, बड़े जोर देकर बोल रहा हूँ कि कम से कम आप लोग 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, फिर चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें। अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिखित परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा की भी क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, और आप लोग प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। जो भी संगठन है उनसे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है? तो वैसे तो आपके बहुत सारे संगठन हम लोग कवर कर चुके हैं, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई छूटा हुआ है तो उसके बारे में बताइए, उसे भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और जो संगठन जिस संगठन में भारत शामिल है उसके बारे में विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है? और एक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इनका मुख्यालय कहाँ है इसे भी याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई इन्हें भी याद रखना है। तो आज हम बात करेंगे 3 संगठनों के बारे में। एक तो आपने सुना होगा शंघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में बड़े विस्तार से बात करते हैं, लेकिन एक आप सुनते हैं बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक उपक्रम। अगर इसके हम लोग मुख्यालय की बात करें आप लोगों को, तो बांग्लादेश में मिलेगा आपको मुख्यालय, देखिए यहाँ आपका ढाका में, ठीक है? किसका? बिम्स्टेक का। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? आपका बांग्लादेश शामिल है, भारत भी शामिल है, और जिसे आप लोग बर्मा या म्यांमार कहते हैं इसे भी, ये भी शामिल है, और नीचे आपका श्रीलंका भी शामिल है, और थाईलैंड शामिल है, भूटान भी शामिल है, और नेपाल शामिल है, ठीक है? ये 7 देश आपके बिम्स्टेक के सदस्य हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997। दूसरा आप सुनते हैं क्या? सार्क, जिसे आप कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1988 को। कब? 8 दिसंबर 1988 को, ठीक है? और इसके अगर सदस्यों की बात हम लोग करें तो इसमें आपका देखने को मिलेगा बांग्लादेश देखने को मिलेगा आपको, इसमें भूटान भी देखने को मिलेगा, इसमें आपका मालदीव भी देखने को मिलेगा, यहां मालदीव है आपका, ठीक है? और ये श्रीलंका भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए मालदीव ये है और श्रीलंका, इसमें एक और आपको यहाँ पाकिस्तान देखने को मिलेगा और अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। याद रखिए अफगानिस्तान सबसे नया देश है, 2005 में से शामिल किया गया था, और इसमें याद रखिए म्यांमार आपका शामिल नहीं है, इसमें पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान शामिल है, ठीक है? बिम्स्टेक के देशों को भी याद रखिए, उसमें आपके कौन कौन से देश शामिल हैं? बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और हम लोग भयभीत हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि आपने देखा है नेपाल मतलब बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है और सार्क में कौन कौन से देश शामिल है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, इसके मुख्यालय की बात करूं तो यह है नेपाल में, ठीक है? कहाँ है? नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है आपका? नेपाल में और काठमांडू में। और इसका अगर बिम्स्टेक की बात करें हम लोग तो बांग्लादेश में, ढाका में, ठीक है? हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। अब बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की, जिसे आप लोग एससीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एससीओ। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 15 जून 2000 को, 2001 में, ठीक है? इसमें आधिकारिक भाषा की बात करें तो रूसी चीनी इसकी आधिकारिक भाषा है, और इसका एक मेन उद्देश्य यही है कि शांति सुरक्षा स्थिरता बनाई रखी जाए आसपास अपने क्षेत्र में। और आप जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान 2017 में जो अस्ताना में मीटिंग हुई थी, एक तरह से सम्मेलन हुआ था, उसी में शामिल हुए थे। और इसके मुख्यालय की अगर बात करें हम लोग तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा बीजिंग में, चाइना में, ठीक है? यह है आपका चाइना, यह है हमारा प्यारा भारत। एससीओ में शामिल होने के 3 वर्ष बाद हाल ही में भारत द्वारा पहली बार इस समूह के राष्ट्राध्यक्षों को बैठक की मेजबानी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक का फोकस महामारी, कोविड महामारी के कारण उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाओं को विकसित करने पर था। आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जितनी भी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, एक तरह से ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, इसी के कारण ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारे देश में अंदर हो या बाहर हो, इस सब प्रक्रिया चल रही है एक तरह से। मात्र 2 दशक से भी कम समय में एससीओ यूरेशियन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरा है। यह समूह यूरेशिया के लगभग 60% से अधिक क्षेत्रफल, वैश्विक आबादी के 40% से अधिक हिस्से और वैश्विक जीडीपी के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आप जानते हैं आबादी की बात करें तो आप चाइना और भारत
एक बहुत बड़ी आबादी वाले हैं। पहले नंबर पर आप देखते हैं जनसंख्या के मामले में चाइना, दूसरे में आप देखते हैं कि भारत है, और क्षेत्रफल में भी तो आप देखते हैं कि एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है महाद्वीप, ठीक है। यूरेशियन क्षेत्र और इससे इसके परे भी एसईओ की भूमिका और महत्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस संगठन में शामिल होने से भारत को दीर्घ अवधि में अधिक लाभ होने की संभावना है। अतः एसईओ भारत को वर्तमान चुनौतियों का सतर्कता पूर्वक सामना करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। अगर शंघाई सहयोग संगठन की बात करें अगर हम लोग, तो शंघाई सहयोग संगठन जून 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। याद रहे कि शंघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया गया था। इसमें पहले 5 देश आपके शामिल थे, पांचों को याद रखना है। अगर करंट में यानी कि वर्तमान में अगर बात करें देशों की, कितने देश हो गए इसमें? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान सदस्य हैं इसके, ठीक है। भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं इसमें, 2017 में इसमें शामिल किए गए थे। अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया एससीओ में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। इस संगठन के उद्देश्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करना और आतंकवाद की चुनौतियों पर काम करना आदि शामिल है। एक तरह से इसका उद्देश्य हो गया है। भारत की बात करें कि भारत किस तरह से अवसर देख सकता है इसमें? क्षेत्रीय सुरक्षा, यूरेशियन सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में एससीओ भारत को इस क्षेत्र में धार्मिक जातिवाद और आतंकवाद के कारण उत्पन्न होने वाली शक्तियों को बेअसर करने में सक्षम बनाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र एक तरह से कहें तो हमारे ही ऊपर एक तरह से हमले होते हैं, आतंकी हमले, घटनाएं आप लोग सुनते रहते हैं आए दिन। याद रहे कि अफगानिस्तान से पश्चिमी देशों की सेनाओं की वापसी और इस क्षेत्र में खुरासन प्रांत की स्थापना के साथ इस्लामिक स्टेट की सक्रियता में हुई वृद्धि ने क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब बात करते हैं क्षेत्रवाद की स्वीकारता। एससीओ ने उन कुछ चुने हुए क्षेत्रीय संगठनों में से एक है जिनमें भारत भी शामिल है। याद रहे कि हाल ही के कुछ वर्षों में सार्क क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और BBIN समझौता जैसे समूहों में भारत की सक्रियता में गिरावट देखने को मिली है। इससे भी जरूरी बात यह भी है कि वर्तमान में 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा, व्यापार, परिवहन में सहयोग बढ़ाने के साथ पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एससीओ एक मजबूत आधार प्रदान करता है। फिर आप देखेंगे मध्य एशिया से संपर्क की बात करें तो एससीओ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का कार्य कर सकता है। एससीओ के साथ भारत की वर्तमान साझेदारी को इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित और सक्रिय करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। याद रहे कि मध्य एशिया के साथ भारत के सभ्यतागत संबंध रहे हैं, इसे देश का विस्तारित पड़ोस भी माना जाता है। यानी के कहने का मतलब है कि बहुत पुराने संबंध है मध्य एशिया के देशों से हमारे, ठीक है। आप सुनते रहते होंगे हड़प्पा सभ्यता में भी आप सुनते रहते हैं, तब से संबंध चल रहे हैं एक तरह से। एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक सुविधाजनक चैनल प्रदान करता है। गौरतलब है कि मध्य एशिया के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने की भारतीय नीति की न्यू वर्ष 2012 की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर आधारित है, जिसमें 4°C, जिसमें आप देखेंगे वाणिज्य, संपर्क, कंसुलर और समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस 4C का मतलब भी आप लोग याद रखिए, कई बार हो सकता है कि प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चंस पूछ ले कि 4C का मतलब क्या है। तो इसमें देखेंगे कॉमर्स शामिल है आपकी, कनेक्टिविटी शामिल है, कंसुलर शामिल है और कम्युनिटी शामिल है, ठीक है। पाकिस्तान और चीन से निपटने की बात करें अगर हम लोग, तो एससीओ भारत को एक समंच प्रदान करता है जहां वह क्षेत्रीय मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान के साथ रचनात्मक चर्चा में शामिल हो सकता है और अपने सुरक्षा हितों को उनके समक्ष रख सकता है। एक बात तो आप लोग भी जानते हैं, किसी भी से आपकी पर्सनल अगर किसी से लड़ाई होती है तो लास्ट में क्या होता है? राजीनामा, समझौता एक तरह से। तो यही देशों का हाल है, कितने भी लड़ झगड़ लें आप लास्ट में समझौता ही होता है। तो आगे चल के हमारा पाकिस्तान से समझौता ही होगा, ठीक है, चीन से हमारा समझौता ही होगा। और याद रखिए हर समस्या का समाधान समझौते से ही निकलता है, बीच का रास्ता ही निकाल के एक तरह समाधान किया जा सकता है। अगर आप सोचें कि आप रिश्तों में ले लीजिए, अगर आप अपने आप पर डटे रहे और वो अपने आप पर डटे रहे तो खत्म, कहीं
कभी भी किसी भी समस्या का समाधान आप देखते होंगे कि दोनों पार्टियां मिलकर करती हैं। हालांकि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के साथ बैठकों से परहेज किया है, परंतु इस दौरान सरकार ने पाकिस्तान और चीन के साथ चर्चाओं के लिए एससीओ का उपयोग किया है। यहां तक कि हाल में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख गतिरोध के दौरान भी। अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए बात करें तो एससीओ अफगानिस्तान में तेजी से बदल रही स्थितियों और इस क्षेत्र में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाली शक्तियों जिनमें भारत की सुरक्षा और विकास को खतरा हो सकता है से निपटने के लिए एक वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच के रूप में कर सकता है। कौन? एससीओ। रणनीतिक संतुलन की बात करें तो इन सब से परे एससीओ में बने रहने को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पश्चिमी देशों के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों के बीच वैश्विक राजनीति में भू राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि चुनौतियां क्या क्या है इस क्षेत्र में। तो चुनौतियां हैं प्रत्यक्ष स्थलीय संपर्क की बाधाएं। पाकिस्तान द्वारा भारत और अफगानिस्तान इसके आगे भी बीच भू संपर्क की चुनौती ना देना, संपर्क की अनुमति ना देना भारत के लिए यूरेशिया के साथ अपने विस्तारित संबंधों को मजबूत करने में सबसे बड़ी बाधा रही है। एक देखिए, आप लोग देखिए, ये हमारी हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए कि अगर आपको अफगानिस्तान भी जाना है, आपको तुर्किस्तान जाना है, उज्बेकिस्तान, इस तरफ कहीं भी आपको जाना है, ठीक है, तो आप लोग कहां से जा रहे हैं? अभी अभी यहां से जा रहे हैं। आपने देखा होगा ईरान में हम एक बंदरगाह का निर्माण भी कर रहे हैं, यहां से ऐसे होते हुए जाएंगे। अगर आप सोचिए कि पाकिस्तान हमें अनुमति दे दे और हम यहां से डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं, समझ रहे हैं, यहां से हमारी कनेक्टिविटी हो सकती है। अगर रूस की बात करें तो यहाँ चाइना से अगर हमारी अच्छी दोस्ती रही तो हम यहाँ से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक, इसी की बात कर रहा हूं। इसी कारण वर्ष 2017 में मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार मात्र 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग रहा है, जबकि इसी दौरान रूस के साथ भारत का व्यापार लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इसके विपरीत आप देखेंगे 2018 में रूस के साथ चीन का व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक और मध्य एशिया के साथ 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। मजबूत संपर्क के अभाव ने इस हाइड्रोकार्बन समृद्ध क्षेत्र और भारत के बीच ऊर्जा संबंधों के विकास में भी बाधा उत्पन्न की है। एक बात और आप लोग देख लीजिए कि हम और चाइना, कहने का सीधा सा मतलब है कि एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और आप कहिए कि कहते हैं ना कि 21वीं सदी भारत और चाइना की एशिया की सदी मानी जाती है, विशेषतर आप भारत और चाइना की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों में एक तरह से लड़ाई चल रही है आपकी, तो इसका फायदा भी नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आप जानिए मार्केट जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वही मार्केट है, और वही आप समझिए कि फायदा भी है। रूस और चीन के बीच मजबूत होता संपर्क, रूस द्वारा भारत को एससीओ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन करने के पीछे एक बड़ा कारण चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलन करना है। हालांकि वर्तमान में जब भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया तो इसी दौरान रूस और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए नई चुनौती बनकर उभर रही है। एक बात और आपको बताऊं यार, देखिए कभी देशों में मतलब दोस्ती ना कोई दुश्मन रहता है। एक समय हुआ करता था कि रूस हमारा अच्छा पार्टनर हुआ करता था, अच्छा दोस्त हुआ करता था, और पाकिस्तान की तरफ झुकाव रहता था अमेरिका का, चीन की तरफ अमेरिका का झुकाव रहता था। आज आप देखिए स्थितियां बदल रही हैं, रूस का झुकाव आपका पाकिस्तान और चीन की तरफ हो रहा है, चाइना की तरफ, और हमारा झुकाव कहाँ हो रहा है? अमेरिका की तरफ। और एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह है कि अगर उसका काम कल अगर चाइना से भी बनता है वो तो चाइना से भी दोस्ती कर सकता है, आपको छोड़ सकता है, लेकिन रूस एक भरोसेमंद दोस्त है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे रूस चीन पाकिस्तान त्रिकोणीय हितों के अभिसरण क्षेत्र में उभरता नया समीकरण भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है जिसे दूर करना बहुत ही आवश्यक है। अब देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर मतभेद। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को लेकर प्रत्यक्ष रूप से अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है, परंतु एससीओ के अन्य सदस्यों ने चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का समर्थन किया है, क्योंकि आप देखेंगे पीओके वाले हिस्से से ये गुजरता है, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया है। भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता। एससीओ सदस्यों ने पूर्व में इस संगठन को भारत पाकिस्तान के प्रतिकूल संबंधों का बंधक बनाए जाने की आशंका व्यक्त की थी, परंतु हाल के दिनों की स्थितियों को देखते हुए उनका भय और भी बढ़ गया है। आगे की इसमें राय क्या हो सकती है? तो मध्य एशिया के साथ संपर्क सुधार। भारत मध्य एशिया में अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व से जुड़ी रूस की चिंताओं को भुना सकता है। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया
मध्य एशियाई देश भी इस क्षेत्र में भारत द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाए जाने को लेकर उत्सुक हैं। हालांकि इसके लिए भारत को पहले अपनी पकड़ को मजबूत करने पर विशेष जोर देना होगा। इस संदर्भ में यूरेशिया में एक मजबूत पहुंच स्थापित करने के लिए चाबहार बंदरगाह के खुलने और असगावात समझौते में भारत को के शामिल होने का लाभ उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संचालन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। किसे? भारत को। चीन के साथ संबंधों में सुधार की बात करें तो 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में एशियाई नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि भारत और चीन द्वारा आपसी मतभेदों को शांति के साथ दूर करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली को विकसित किया जाए। और याद रखिए, हमारे यहाँ के नेताओं को भी याद रखना है। अभी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा साथ दे रही थी हमारे जो भी प्रधानमंत्री है, आपने देखा है, वो हट गए, बदल गई सरकार। अब आप सोचिए कि आप अपने आप और आपके गांव में सरपंची का चुनाव हो रहा, मान लीजिए मैं विपक्ष की तरफ से आपके विपक्ष में जो खड़ा हुआ है उसका मदद करता हूं, तो आगे आप जीत जाते हैं, तो आप मुझसे दोस्ती कहाँ रखेंगे? एक खटास तो रहेगी ना आपको, तो ये भी देखने को मिलता है। और अमेरिका, याद रखिए, अमेरिका इसलिए आपसे दोस्ती कर रहा है या नजदीकी बढ़ा रहा है कि उसे चाइना को प्रतिस्थापित करना है दक्षिण चीन सागर में, हर जगह। तो आपको अपने आप में मजबूत होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे देश पर भरोसा करके, ठीक है? और अपनों आपको अपनी किसी देश की आंतरिक राजनीति में कोई, मुझे नहीं लगता है कि वहां कुछ आपको करने की जरूरत है। इस भावना को वर्ष 2018 में सांग्रीला डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी के बयान में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिद्वंदिता का एशिया हम सभी को पीछे रखेगा, सहयोग की भावना से प्रेरित एशिया इस सदी को आकार भी देगा। पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की बात करें तो एससीओ द्वारा सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयासों का प्रयोग पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान द्वारा यूरेशिया तक भारत की पहुंच में खड़ी की गई बाधाओं को हटाने की मांग की जानी चाहिए, जिसमें तापी जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन किया जा सके। सैन्य सहयोग की में वृद्धि की बात करेंगे हम लोग, तो हाल के वर्षों में क्षेत्र में आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि एससीओ द्वारा एक सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा ढांचे का विकास किया जाए और साथ ही क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना को और अधिक प्रभावी बनाए जाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि एससीओ की भूमिका और इसके उद्देश्यों की व्यापकता वर्तमान में न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक रणनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य के लिए भी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। वर्तमान परिदृश्य में एससीओ के एक नए सदस्य के रूप में भारत को एक उपयुक्त एवं व्यापक यूरेशियन रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होगी। यह रणनीति विकास साझेदारी के माध्यम से स्थायी राष्ट्र निर्माण, संप्रभुता बनाए रखने और इस क्षेत्र को आतंकवाद और जातिवाद का केंद्र बनने से रोकने के भारत के क्षेत्रीय हित को पूरा करने में भी सहायक हो सकती है। साथ ही भारत के लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यह क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के लिए भू राजनीतिक का एक नया अखाड़ा बन जाए। तो यही कहानी है आपकी एससीओ की, ठीक है? इसके बारे में जो भी पॉइंट है आपको याद रखिए।